एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज मैं छत पे बैठी हुई हूँ एंड आज ऑफिस का हाफ डे था, तो मैं आज जल्दी घर आ गई थी। और आज है जन्माष्टमी, तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल के लिए गुड़ के ना जो लड्डू बनते हैं ना, सौंठ वाले लड्डू जो बोलते हैं, तो सौंठ तो नहीं है अवेलेबल, बट जो है मैं उससे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ना गुड़ ले लिया है और मैंने शुद्ध घी गर्म करके ले लिया है एंड ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए एंड तीनों को मिक्स करेंगे और हम उनके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, तो मैंने उसे किसा तो नहीं है, बट मैंने चम्मच से उसे अच्छे से मैश मैश कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, तो इनको भी अभी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुड़ के लड्डू हम बनाएंगे, तो गुड़ है और ड्राई फ्रूट्स में है चिरौंजी, काजू, बादाम। ठीक है, मतलब जो भी अवेलेबल है मैं वो उससे बना रही हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे गुड़ जो है वो मैंने उसे अच्छे से मिक्स लिया है, क्योंकि उसमें डिगली होने के कारण फिर वो लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसे बहुत अच्छे से कर लिया मैंने और अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इतने गुड़ के हिसाब से इतने ड्राई फ्रूट्स बहुत हैं। और ये रहा घी, तो यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया था, क्योंकि गुड़ के लड्डू जो होते हैं उसका भोग इससे लगाते हैं ना, क्योंकि वो जैसे हम लोगों में बेबी जन्म लेता है जब ऐसे लड्डू बटते हैं ना, तो बस वही यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर, ये लड्डू गोपाल है, ये मेरी थाली लग गई है। और ये रहा हमारा झूला, तो यहाँ पे हम कृष्ण भगवान को बैठा लेंगे उनका अभिषेक करके। और ये रहे मेरे लड्डू। अब आप लोग सोच रहे होंगे लड्डू इतने चपटे क्यों हो गए, बट यार गुड़ ना पिघल गया था यार, तो वो गोल गोल नहीं होके ना चपटे हो गए, बट कोई नहीं, अच्छे लग रहे हैं ना चॉकलेट जैसे। तो मैंने यहाँ पे ना चॉकलेट भी ले ली है, दूध दही और सारा सामान पूजा का रख लिया है यहाँ पे। और अब मैं भी यहाँ पे देखो रेडी हो गई हूँ, मैंने सूट चेंज करके फिर फटाफट से ना मैंने साड़ी पहन ली। ठीक है, और अब हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जल स्नान करवाऊँगी लड्डू गोपाल को, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दूध। ठीक है, तो ये यहाँ हमने दूध से इनका स्नान कराएंगे। फिर से हम जल स्नान कराएंगे, जब भी हम दूध दही शहद से स्नान कराते हैं उसके बाद हमें जल अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दही लूँगी और यहाँ पे मैं दही से स्नान कराऊँगी। गाइज, ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसके कारण ये वाला ब्लॉग लेट आ रहा है। बट प्लीज़ आप फर्स्ट से मतलब स्टार्ट से लेके लास्ट तक इसे ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू उनके लिए कपड़े लिए, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर के उनके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप मेरे पूजा में देख रहे हो, दूध दही शहद फूल ककड़ी चॉकलेट सब कुछ यहाँ पे रेडी है। तो बस अब इन्होंने हमने इनका अभिषेक किया और अब हम इनको झूला में बैठा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी चंदन। स्नान हो गया, अब चंदन भी लग गया। तो आप लोग क्या कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, कैसी पूजा करते हैं, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम ऐसे ही पूजा करते हैं और वो भी नाइट में होती है। और अब हम अच्छे से इनको इत्र लगा देंगे ताकि इनके कपड़ों में अच्छी खुशबू भी आए। जैसे हम लोग भाई परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के निकलते हैं ना, ऐसे आज उनका भी बर्थडे, आज तो उनको सबसे अच्छा दिखना है ना। और ये रहा उनके लिए हार। गाइस, थोड़ा सा बड़ा हार आ गया था, बट मैंने कहा चलो अभी पहना देते हैं, फिर मैं ना उसे अच्छे से छोटा करके और फिर पहना दूंगी। और ये रही चॉकलेट और ये रहे काजू बादाम। ठीक है, अब हम इनको भोग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भोग लग गया है और अब मैं यहाँ पे आरती कर दूँगी। तो यहाँ मेरी आरती भी हो गई है। ठीक है, हे भगवान सबका भला हो। और ये रहे हमारे राधा कृष्ण, जिनको मैंने ही रेडी किया है। तो कैसी लग रहे हैं हमारे राधा कृष्ण, ये भी कमेंट में बिल्कुल आप लोग बताना ज़रूर। और अब मैं आ गई हूँ मेरी मौसी सास के, जो कि मेरे घर से थोड़ी सी ही दूर है। तो बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था और फ़ोन आया कि बेटा आ जाओ, तो हमने कहा चलो चलते हैं, भगवान तो सब जगह है ना, और मतलब रात भी कट जाएगी, तो फिर हम लोग चल दिए। और यहाँ तो देखो भाई मौसी और दीदी ने तो कितना सारा भोग में बना के रखा हुआ है,
रसमलाई, रबड़ी, चिप्स, चॉकलेट फिंगर, मतलब बहुत सारे आइटम है भाई। तो अब आ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे, और ये जैसे कि आप झूला देख सकते हो, इसको भी कितने अच्छे से तैयार किया हुआ है ना। और रात के बज गए हैं अभी 11:30, और कितने कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, नजर ना लगे। तो यहाँ भी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, सब लोग हैं यहाँ पे, और जहाँ सब लोग होते हैं वहाँ और अच्छा लगता है। और ये रही अदिति दीदी, ये मौसी जी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।